पाप शरीर नहीं विचार करते हैं दोस्तों, और गंगा शरीर को धोती है विचारों को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियन साइन के लिए बहुत विशेष बहुत खास कार्यक्रम है। वृश्चिक राशि का नवंबर 2024 का मासिक राशिफल मंथली प्रिडिक्शन नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। बस आपका फोकस यहां पर होना चाहिए, समझ में आएगा आपको, और सभी विषय पर बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा। नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, क्या फल देंगे आपको, ठीक है। शनि भी मार्गी हो रहे हैं, आपकी शनि की ढैया चल रही है और शनि ग्रह मार्गी होंगे इस महीने, तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चलिए फिर जानते हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, ठीक है। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब आपका फोकस यहां पे होना चाहिए, ठीक है। वृश्चिक राशि है आपकी, राशि के स्वामी बनते हैं आपके मंगल। आपके फर्स्ट हाउस में है शुक्र के साथ में बुध, फोर्थ हाउस में है आपके शनि, फिफ्थ हाउस में है राहु विराजमान, सप्तम भाव में है आपके गुरु, आपके नवम स्थान में है मंगल, आपके इलेवंथ में है केतु, आपके बारहवें घर में है सूर्य विराजमान। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। फर्स्ट हाउस होता है हमारी इम्यूनिटी का, हमारे हेल्थ का। फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं आपके मंगल। मंगल कहाँ है आपके, नाइन्थ हाउस में, और मंगल का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, ठीक है। जब मंगल त्रिकोण में है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर किस बात की चिंता, मंगल तो यहाँ पे अच्छे हैं ना। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बृहस्पति आपके केंद्र में है, शनि आपके केंद्र में है, राहु त्रिकोण में है, शुक्र बुध दो शुभ ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में है, एनर्जेटिक रहेंगे आप। हाँ, सूर्य आपके थोड़े कमजोर हैं 16 नवंबर से पहले, तो आंखों में इरिटेशन होना और कभी कभी थोड़ा बैक पेन होना, या फिर कभी कभी लगना कि थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा पेन हो रहा है, ऐसा कभी फील होना, शोल्डर पेन, बैक पेन, ठीक है, 16 नवंबर से पहले, बट वो भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो चिंता का विषय नहीं है। इस महीने आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो त्रिकोण में है, नीच के हैं लेकिन है त्रिकोण में, तो अच्छा दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य, ठीक है। बात करें आपकी पढ़ाई को लेकर, विद्यार्थी कैसे रहेगा नवंबर 2024 आपकी पढ़ाई। पंचम भाव होता है पढ़ाई का, और पंचम भाव में राहु है, पंचमेश गुरु सेवंथ हाउस में है। ये राहु ना, मैं हमेशा कहता हूं आपको, क्योंकि काफी टाइम से राहु पंचम भाव में है, ये राहु पंचम भाव में ना मन को भटकाते हैं और भटका रहे हैं काफी समय से, और अभी कुछ महीने राहु यहां रहेंगे। इसका उपाय करना, क्योंकि राहु ना मन को भटकाने के साथ साथ डाइवर्ट कर देते हैं। गुरु सेवंथ हाउस में है तो आपको ज्ञान तो है, पढ़ाई करने का मन में इच्छा भी होती है, लेकिन ये राहु बीच बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा मन को डाइवर्ट करते हैं, शंका उत्पन्न करते हैं, तो ये राहु का उपाय बताऊंगा, जरूर कीजिएगा, क्योंकि राहु कुछ ना कुछ मन को भटकाने का काम जरूर करते हैं, क्योंकि राहु पंचम भाव में है और ये स्टेबल नहीं होने देते, ये भगाते हैं मन को। मन गुरु यहां पर अपना काम करते हैं, गुरु कहीं ना कहीं पढ़ाई करने में मन लगाएंगे, पढ़ाई करने किताब भी खोलेंगे, अच्छे से सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, डिजायर्स रहेंगे, लेकिन राहु वहां पे अड़चन क्रिएट कर देते हैं, ये थोड़ा सा दिख रहा है, इसके लिए उपाय जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बात करें लव रिलेशन, प्रेम प्यार कैसा रहेगा आपका नवंबर में। पंचम भाव फिफ्थ हाउस होता है लव रिलेशन का, राहु बैठे हैं, मैंने बताया अभी, ये हाउस प्रेम प्यार का भी है। अब राहु पंचम भाव में लव रिलेशन पता क्या करते हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा, फीलिंग्स बहुत अच्छी, वाइब्स अच्छी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी, लेकिन समटाइम्स एकदम से सडन, क्योंकि राहु का काम होता है सडन, एकदम से अचानक किसी बात पे फाइट हो जाना, अचानक कोई किसी को ब्लॉक कर दे, अचानक एकदम से बात बंद हो जाए, अचानक क्या बोलते हैं मिलते मिलते जो है वो ना मिल पाए, ये राहु का काम होता है, मतलब जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी अच्छा करने का काम करेंगे गुरु, चाहे कितनी फाइट हो जाए, चाहे कितने भी ब्लॉक कर लें, लेकिन गुरु वहां पर उसको सुधारने का काम करते हैं, गुरु वहां पर कुछ अच्छा करने का काम करते हैं, गुरु वहां पर आपस में मिलाने का काम करते हैं। लेकिन राहु का उपाय तो आपको करना ही है, नहीं तो ये प्रेम प्यार में सडन आपको भी समझ नहीं आएगा कि यार कल तक तो अच्छा था, एक घंटे पहले तो अच्छा था, अचानक से क्या बातें आ गई ऐसी जो एकदम से फाइट हो गई। ये राहु का काम है और राहु करते हैं, ऐसा कर रहे हैं काफी टाइम से, काफी महीने से कर रहे हैं और अभी थोड़ा बहुत करेंगे। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी है नवंबर में। सेवंथ हाउस होता है मैरिड लाइफ का, सेवंथ लॉर्ड बनते हैं वीनस, शुक्र ग्रह, और शुक्र कहाँ है आपके, फर्स्ट में है, सेकंड में आएंगे 7 नवंबर को। मैरिड लाइफ अच्छी है ना आपकी, क्या दिक्कत है भैया, गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं, और शुक्र भी सेकंड हाउस में है, बुध की दृष्टि है,
और मैं देख रहा हूं कि किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है सेवंथ हाउस में। हाँ, सूर्य देखेंगे 16 नवंबर को। भैया मैरिड लाइफ अच्छी है, लेकिन हाँ 16 नवंबर के बाद आपके अंदर गुस्सा और लाइफ पार्टनर के अंदर भी गुस्सा देखा जाएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि सूर्य एक अशुभ ग्रह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक क्रूर प्लैनेट माने जाते हैं, ठीक है। और सूर्य जब भी सेवंथ हाउस को देखते हैं और फर्स्ट हाउस में आते हैं ना, तो ये खुद के अंदर तो गुस्सा देते ही हैं, खुद की पर्सनैलिटी को तो गर्म बनाते ही हैं, उग्र स्वभाव बनाते ही हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर को भी बना देते हैं। 16 नवंबर के बाद ध्यान दीजिएगा कि आप तो शेर समझेंगे अपने आप को, लेकिन वो सवा शेर समझेंगे अपने आप को, तो इसका ध्यान दीजिएगा बस 16 नवंबर के बाद। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है मैरिड लाइफ में, बाकी तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूं, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा। ये होता है दोस्तों भाग्य स्थान, नाइन्थ हाउस ये भाग्य का है, ये होता है टेंथ हाउस करियर का। भाग्य के स्वामी चंद्रमा और भाग्य स्थान में मंगल, जो कि राशि स्वामी है, राशि स्वामी मंगल खुद भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं, यानी कि स्वयं जितना आप करेंगे भाग्य उससे ज्यादा आपका साथ देगा। जितना आप सोचेंगे, जितना आपकी इच्छा होगी, भाग्य उससे ज्यादा आपका साथ देगा, क्योंकि मंगल स्वयं भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं और सूर्य भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। और खासकर अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई डिसीजन, कोई आइडियाज, कुछ सेल परचेज, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी करना चाहते हैं, मैं कहूंगा 15-16 नवंबर के बाद ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि सूर्य अच्छे होंगे, है ना, मंगल भी अच्छे हैं आपके त्रिकोण में, नीच के है लेकिन त्रिकोण में है, थोड़ा सा परेशानी आएगी कभी कभी भाग्य में, जाओ कुछ भी बड़ा चीज करेंगे तो थोड़ी इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, बहस होगी, लेकिन वो काम आपका होगा निश्चित। करियर पे मैं अगर चर्चा करूं, आपका कार्य क्षेत्र, नौकरी और आपका बिजनेस, टेंथ लॉर्ड सूर्य 12वें घर में, नौकरी के बारे में विचार करूं, स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेशन रहेगी आपके अंदर, स्टार्टिंग में काम करने का मन नहीं लगेगा क्योंकि सूर्य 12वें घर में है और 12वें घर में नीच के हो रखे हैं वो। फ्रस्ट्रेशन और आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं बॉस के साथ में, सीनियर्स के साथ में हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। या काम करने में मन ना लगना, जब भी टेंथ लॉर्ड 12वें घर में होता है ना तो काम करने का मन नहीं लगता 15-16 नवंबर से पहले। या फिर ये कह लीजिए कि छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, ये देखा जा सकता है, खासकर कब बताया मैंने, 15-16 नवंबर से पहले, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं अगर बात करूं, आपके बारे में 16 नवंबर के बाद, तो आपका जो करियर है अच्छा रहेगा, नौकरी लगने की संभावना अच्छी है, इंटरव्यू हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटरमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ बेटर होगा, कुछ बढ़िया होगा आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। इसके साथ में कुछ प्रमोशन है या फिर कुछ आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के इंतजार में है नौकरी को लेकर, तो 15-16 नवंबर के बाद सूर्य आपका सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, शुक्र बुध आपके फर्स्ट हाउस में, बुध आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, आपकी मेंटेलिटी अच्छी रहेगी, शार्प माइंड रहेगा, माइंड बहुत तेज रहेगा, एक्टिव रहेंगे आप। लेकिन शुरुआती समय पर बस ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी ना करें, पेशेंस पर ध्यान दें और अपने अंदर अकड़ अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य 12वें घर में 15-16 नवंबर से पहले, बस उसके बाद तो करियर बहुत अच्छा है, नौकरी लगने की पॉसिबिलिटी भी अच्छी है। बात करूं बिजनेस, ये महीना बिजनेस को लेकर 70-90% अच्छा है, क्योंकि बुध फर्स्ट हाउस में है बिजनेस के कारक, फिर सेवंथ लॉर्ड भी जो है फर्स्ट में है, सेकंड हाउस में जाएंगे तो धन एकत्र करेंगे, धन आएगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, अर्निंग अच्छी होगी आपकी बिजनेस को लेकर, बिल्कुल दिख रहा है यहां पे, तो अच्छी दिख रही है मुझे यहां पर आपकी इनकम और अर्निंग बिजनेस में, ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको जो है राहु पंचम में है तो पढ़ाई को लेकर, प्रेम प्यार को लेकर, पक्षियों को दाना पानी डालें, राहु का बीज मंत्र करें 108 बार रोज फॉलो करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ में सूर्य आपके 12वें घर में है तो सूर्य को जल चढ़ाएं या सूर्य का बीज मंत्र करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर फॉलो करें डेली। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में, धन्यवाद।